स्टार्टिंग अ जर्नी टू हॉर्न ऑफ हर्सिल फ्रॉम हर्सिल इटसेल्फ, एंटरिंग चोलमी विलेज एंड यू कैन सी हर्सिल नीचे वहाँ पे। डे टू ऑफ द एक्सपेडिशन, अभी हम निकल चुके हैं राता से टूवर्ड्स बेस कैंप। ओहो, सो अभी हम रिटर्न कर रहे हैं मेन रूट से, जो कि अभी तक बहुत ही ज़्यादा ट्रीचरस, टेक्निकल और बहुत ही पाउडर्ड टाइप की बर्फ रही है। ये देखिए, देर इज़ नो श्योर फुटिंग, बहुत जगह स्लिप होकर गए हैं, रोप्स का यूज़ करना पड़ा है। अल्टीमेटली व्हेन वी रीच्ड टू द टॉप, वहाँ से कोई रास्ता नहीं था। नाउ वी आर रिट्रीटिंग, रिट्रेसिंग आर स्टेप्स। एक दिन वेस्ट हुआ है इस एक्टिविटी में, बट वी डिडंट नो ये रूट वही था जो हमको बताया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली डिडंट पैन आउट एज एक्सपेक्टेड। मे बी बिकॉज जिस टीम ने किया था वो समर्स में गए थे, मई जून में, हम वीक दिसंबर में गए हैं अभी, 26th of December है आज। और स्नो देखिए कितनी है, मैसिव अमाउंट ऑफ स्नो। मेन बात यह है कि ये स्नो इतनी पाउडर्ड फॉर्म में है कि इस पर कोई फुटिंग नहीं है, पैर आप ग्रिप नहीं बना पा रहे हैं। वो देखिए आगे रोप्स डाली जा रही हैं, हार्नेसिंग वगैरह एंकर बना के, ताकि सेफली डिसेंड कर सके। इट्स ऑलरेडी 2:45 PM एंड थोड़ा सा अपने को वी नीड टू फैसन अप नाउ, स्पीड बढ़ानी है। ओके, मिलते हैं अगले में, नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो अभी रोप्स का यूज़ करके एक सेक्शन डिसेंड करेंगे, सेक्शन ज़्यादा बड़ा नहीं है बट अराउंड 7-8 feet का ड्रॉप है इस पॉइंट पे नीचे, बट ड्रॉप ऐसा है कि रक सैक्स लेके सीधा उतरना बहुत मुश्किल है। कमांडो की एनर्जी खत्म हो गई यार सारी ये यहाँ पे, वहाँ पे ऐसा करना, ऐसा कर। ये हमारी लास्ट नाइट की बेस कैंप थी, ज़ीरो स्नो था उस टाइम, बट अभी स्नोफॉल इतना ज़्यादा हो रहा है, यू कैन हार्डली सी द ट्रीज ऊपर, बहुत तेज़ तूफान आया है, बहुत तेज। सो वी आर डिसेंडिंग डाउन फ्रॉम द बेस कैंप रूट टू हर्सिल एंड वेदर बहुत ही ख़राब हो गया है, हमें अनफॉर्चुनेटली एक्सपेडिशन को अबैंडन करना पड़ा, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल और रॉकी पैच था, एटलीस्ट 70-75 ग्रेडियंट का, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था एंड काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई इन अ नटशेल, बट वेदर बहुत ख़राब है एंड वी कुड नॉट रिस्क गोइंग अहेड। हाय गाइस, एन अपडेट फ्रॉम माय साइड, बहुत ही टफ रास्ता है यार, कंडीशंस बहुत ख़राब है, 70 degree का ग्रेडियंट है, दैट टू ऑन अ रॉकी पैच, सो इस वेदर में तो ये इम्पॉसिबल है, मतलब एक्सपीरियंस क्लाइंबर भी आएगा, कोई भी आएगा, बहुत मुश्किल है, आपकी ग्रिप ही नहीं बन सकती, पाउडर स्नो और है यार, ये दिखाओ पाउडर स्नो, ये देखो, मे बी अगर 3-4 feet बर्फ़ पड़ी हो तो उसमें कम से कम अपने पैरों के फुट होल्ड बना के आप जा सकते हो, पर इसमें तो नो चांस, जितने ग्रेडियंट भी हम चले। तो
अभी तो हम जा रहे हैं नीचे, बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, हमेशा सीखने को मिलती हैं चीज़ें, एंड दो दिन बहुत मस्त करते हैं। अब हम हर सिन में पार्टी करेंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और ये है हमारा स्पेशल फ्रोजन एग। ठंड इतनी है कि अंडे भी जम गए हैं। भाई ये देख, तो आइस बनी हुई इसके अंदर, देख रहे हो, अंदर से आइस बन गई भाई अंडे के अंदर। बताओ यार, एंड लुक व्हाट आई फाउंड हियर। क्या ये भालू का पंजा है? और उसके बाद ये शायद यहाँ गया है, यहाँ से आगे गया है, नीचे नीचे नीचे। प्रिटी मच श्योर ये भालू ही है। और ये सफाई